हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिनी गार्डन। फ्रेंड्स, जैसे मई का महीना चल रहा है और गर्मियाँ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, कभी आपने देखा होगा हम जैसे मॉर्निंग में अपने प्लांट्स में पानी डालते हैं तो दिन तक वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, उसमें ज़रा सा भी नमी नहीं रहती, और इवनिंग में भी डालेंगे तो मॉर्निंग तक ऐसे ही हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर ही इतना हाई हो रहा है, कभी 38 डिग्री, कभी 40 डिग्री। इस डिग्री में भी हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा थोड़े डिस्टर्ब भी हो चुके हैं, बहुत सी पत्तियाँ उनकी जल जा रही हैं और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे क्योंकि गर्मी के तापमान इतना बढ़ते जा रहे हैं, प्लांट्स बड़े शॉक में आ गए फ्रेंड्स। तो इस बीच में हमें कुछ कटिंग लगाने के लिए भी बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं कि इस टाइम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ कटिंग से ग्रो भी नहीं कर सकते। तो मैं कुछ 7 प्लांट ऐसे ही बताऊंगी जिसको मई के महीने में आप कटिंग से लगाओगे तो वो ईजिली लग जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे कि बहुत से कटिंग है वो नहीं चलती और बहुत से कटिंग ऐसे हैं जो इंडोर प्लांट्स हैं, इस टाइम आप अगर कटिंग लगाओगे और शेमी शेड में रखोगे तो वो ईजिली ग्रो हो जाता है। तो आज मैं यही शेयर कर रही हूँ कि कुछ ऐसे 7 प्लांट्स हैं जो आप कटिंग से लगाओगे तो वो बहुत इजी से लग जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे ये सबसे नंबर 1 पे मैं ये बता रही हूँ, ये है पिपरमिया, इसको बेबी रबर प्लांट भी बोलते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है, ये वेरीगेटेड बेबी रबर प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये आउटडोर नहीं है, इंडोर प्लांट्स, अगर आउटडोर रखोगे तो इनकी लीव्स धीरे धीरे जलने लग जाती है, अगर आप इसको इंडोर रखोगे तो बहुत अच्छे सर्वाइव करेगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और इसके ये अगर कटिंग करते रहोगे ये बुशी भी हो जाता है, ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, आप जिस सीज़न में इसको लगाओगे, आप बरसात में लगाओगे, विंटर सीज़न में लगाओगे तब भी हो जाएगा। और ये इसी का वेरीगेटेड नहीं है, ग्रीन कलर का है फ्रेंड। इसमें 4 कलेक्शन है मेरे पास, इसमें 2 कलेक्शन और है, जैसे लाइट ब्राउन में है, उसके शेड है और क्रीम कलर का है फ्रेंड्स। तो मेरे पास फ़िलहाल वो अभी छोटे हैं, तो ये मदर प्लांट है। तो फ्रेंड्स, इसमें से मैंने कटिंग बहुत से अपने कलेक्शन बना रखे हैं, काफ़ी सारे, तो आप इसे कटिंग लगा सकते हो। तो ये मैं इसके अगर जितनी कटिंग होगी बहुत बुशी हो जाएगा, तो इसमें से मैं कटिंग लूँगी, तो मैं इसमें से कटिंग लूँगी तो इसमें ये लगाऊँगी फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसमें कौन सी कटिंग है, ऐसी कटिंग लेनी चाहिए जिसकी लगाने से ये जल्दी से इसमें बगल में बेबी प्लांट एक और आ जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें ये खासियत है, जो ये पिपरमिया प्लांट होता है इसके लीव से भी ग्रो कर सकते हैं क्योंकि फेंकने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसकी लीव्स कट भी जाती है तो आप इसको आप डायरेक्ट रेत में लगाते हो, रेत को ज़रूर से धो लीजिएगा क्योंकि रेत में बहुत जल्दी प्रोपेगेट हो जाता है ये प्लांट, और इसके जो स्टिक जो स्टेम होती है फ्रेंड बहुत मतलब ऐसी होती है सॉफ्ट, अगर इसको हाथ से भी तोड़ोगे अगर वो थोड़ा गिर भी जाएगा तब भी इसकी स्टेम जल्दी टूट जाती है। तो ये बहुत ईजिली लीव से भी आप ग्रो कर सकते हो। तो इस जगह से मैंने कटिंग किया तो ये न्यू बेबी निकल जाएगा यहाँ से, और ये फ्रेंड ये ग्रीन वाला, तो इसमें से मैंने एक कटिंग ले ली। तो देखिए, मैंने दोनों कटिंग ही अपने एक ही पॉट में लगाया था मैंने, और मैंने मिक्सचर वाले से ही बना रखा था, और देखिए इसमें क्योंकि मिक्सचर में जितने भी मैंने कटिंग तैयार करने के लिए मैंने मिक्सचर बना के रखते, वैसे भी मिट्टी बना के ही रखना चाहिए क्योंकि हमें कभी भी पॉट मिल जाओ, प्लांट्स मिल जाते हैं तो पॉट में सीधा भर लीजिए। और फ्रेंड्स, कभी भी कटिंग लगाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप नया पॉट लेकर आओ, नहीं कोई वेस्ट होता है। मैं जितनी भी कटिंग लगाती हूँ अधिकतर वेस्ट पॉट में ही लगाती हूँ, जो घर में निकलते हैं कि बच्चों के जो मग होते हैं, किसी में भी आप लगा सकते हो, कटिंग वगैरह इसमें ही तैयार कर लोगे तो बहुत इजी से ग्रो हो जाएगा। और सेकंड प्लांट है फ्रेंड्स सिंगोनियम। तो ये देखिए सिंगोनियम, मैंने कुछ टाइम पहले मैंने इसको पानी में ही रखा था, तो इसमें रूट्स काफ़ी अच्छी आ गई है, आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हो और कटिंग से में भी, इस सीज़न में बहुत अच्छे से लग जाएगा, ये आपका नहीं मरेगा। तो सिंगोनियम भी बहुत ही प्यारा इंडोर प्लांट है, ये देखिए इसको मैंने पानी में ग्रो कर रखा था, इसमें काफ़ी रूट्स आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने सोचा आज इसको भी मैं ग्रो कर लेती हूँ। तो मैंने इसको मिट्टी में ही एक पॉट में ही लगा दिया, तो काफ़ी अच्छा है, ये ग्रीन कलर का है फ्रेंड्स, ऊपर शेड नहीं है पर बहुत ही क्यूट सा लग रहा था ये, बहुत ही प्यारा। और इसको मैंने इसमें जो मेरे वो प्लांट लेकर आते हैं ना हम, तो उसी के पॉट में मैंने लगा दिया था। और ये है फ्रेंड जेट प्लांट, और जेट प्लांट तो आपको पता है किसी भी आप सीज़न में छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगाओगे तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। आप इसको
इसको बस ज़्यादा वेल्डन सॉइल पसंद है। कभी भी आप अगर इसको कटिंग लगाते हो तो भुरभुरी मिट्टी में ही लगाइएगा, तो भुरभुरी मिट्टी बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत इजी से ये लग जाता है, तो बाद में आप किसी भी बड़े पॉट में आप शिफ्ट कर जाते हो। इसके अगर आप प्रूनिंग करते हो, प्रूनिंग के टाइम में जो भी कटिंग निकलती है उसको फेंकिए मत, प्रूनिंग की कटिंग भी आप अगर लगा दोगे तो आपके पास बहुत सारे प्लांट्स ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे। तो इसकी कटिंग मैंने दो ले ली थी, तो वैसे मेरे पास जेड प्लांट बहुत हैं, बट जैसे कि प्रूनिंग करती हूँ तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ और मैं ऐसे ही कटिंग है उसको लगा देती हूँ। मैं बता रही हूँ सीज़न में आप जेड प्लांट की कटिंग भी बहुत ईजी से लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जेड प्लांट भी मैंने लगा दिया, ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसको बॉन्सई बनाओ और टोपियारी भी बनती है तो भी बहुत अच्छा लगता है जेड प्लांट। और थर्ड नंबर पे फ्रेंड ये है मनी प्लांट, और मनी प्लांट को तो आपको पता ही है, आप इसको पानी में भी ग्रो करोगे तब भी लग जाएगा और मिट्टी में भी लगाओगे तब भी इस टाइम लग जाएगा। तो पानी में ग्रो करिए, तो अगर डायरेक्ट आप मिट्टी में लगाना है तब भी हो जाएगा। इसको मैंने पानी में ग्रो किया था फ्रेंड्स काफ़ी टाइम पहले, 2 वीक्स हो गए, तो मैंने इसकी देखो रूट्स काफ़ी अच्छी आ गई है। तो ये मेरे पास टेराकोटा का पॉट था तो इसके कलर फेड हो गया था, मैंने इसमें एक टेबल टॉप बनाना था तो काफ़ी अच्छा लगेगा, जैसे मनी प्लांट बुशी हो जाए तो आप इसमें भी लगा सकते हो। मनी प्लांट वैसे घर के लिए बहुत शुभ होता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है, इंडोर प्लांट है फ्रेंड्स तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। आप मनी प्लांट ज़रूर से लगाइएगा, मनी प्लांट बहुत अच्छा है, इसको ऐसी दिशा में भी लगाइए जहाँ पर शुभ माना जाता है, इसको ईस्ट डायरेक्शन में रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो मनी प्लांट अगर कटिंग लगाओगे तो फ्रेंड्स कटिंग भी लग जाएगी, तो मैंने काफ़ी भर दिया था क्योंकि मुझे इसको बुशी बनाना था। तो ये देखिए मैंने इसको भी इसी में ही लगा दिया था जिससे कि काफ़ी घना हो जाए। और फ्रेंड्स जितनी भी कटिंग है आप सेमी शेड में ज़रूर से रखिए। और ये फोर्थ नंबर पे है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट तो एक बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, ये लो मेंटेनेंस प्लांट है फ्रेंड। आप इसकी जो ये स्टेम निकलती है इसका हैंगिंग बास्केट टाइप के आप हैंगिंग बास्केट बनाओगे तब भी अच्छा लगता है। इसके बेल से निकलती है, इसमें से आप बहुत से एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हो। तो मैंने इसके जितने भी ये जो बेबी निकले हैं थे इनके, तो इसकी कट करके मैंने एक ही पॉट में इसको लगा दिया था बुशी बनाने के लिए। तो ये देखिए मेरे पास वैसे बहुत सारे स्पाइडर प्लांट हैं, तो आप स्पाइडर प्लांट भी लगा सकते हो, एक प्लांट से आप कई प्लांट भी तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए छोटे छोटे हैं और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, अगर स्पाइडर प्लांट लगाओ तो बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स ये स्नेक प्लांट भी बहुत अच्छा है, ये भी एक एयर प्योरीफायर प्लांट है और ये हर घर में वैसे भी होना चाहिए, ये हवा को शुद्ध करता है, ये 24 आवर्स भी फ्रेंड्स ऑक्सीजन देता है। तो इसको तो घर में ज़रूर से लगाइए और इस टाइम ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा, आप कटिंग से लगाइए तो ये बहुत, अगर आप इसको पानी में भी डाल के रखोगे ये तभी भी ईजिली से ग्रो हो जाता है। अगर आप कोको पीट में भी लगाओगे और डायरेक्ट या रेत में, तीनों में आप जब जिसमें भी आप लगाओगे बहुत ईजिली से इसके पफ निकलने लग जाते हैं और बहुत जल्दी ये ग्रो करने लग जाता है। तो स्नेक प्लांट भी बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है और इसको अधिकतर ज़्यादा ये लो मेंटेनेंस प्लांट है फ्रेंड्स। आप इसके छोटा सेंसिव एरिया भी है, ये देखिए इसके भी बहुत छोटे छोटे पफ निकलते हैं, इसको भी आप ग्रो कर सकते हो, इसके भी एक लीफ से भी ग्रो कर सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारा इंडोर प्लांट है, इसको भी आप ज़रूर से लगाइए। और फ्रेंड्स लास्ट प्लांट है ये मेरा, ये देखिए ये आपने देखा होगा, ये वॉन्जिंग जू है, ये वेरीगेटेड है, ये बहुत अच्छा लगता है, ये हैंगिंग बास्केट में भी होता है और देसी वैरायटी में भी ये आता है। तो फ्रेंड्स ये आप इसकी कटिंग छोटी से छोटी कटिंग लगाओगे ये तब भी ग्रो हो जाएगा आप किसी भी पॉट में। तो इसको देखिए मैंने इसे हैंगिंग बनाना है तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसमें छोटे छोटे पॉट में ख़रीद के लाई थी, हैंगिंग बनाने के लिए काफ़ी लेकर आई थी, तो दो पॉट में मैंने इन्हें लगा दिया है तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप इनकी कटिंग जैसे भी लगाओगे, आप कहीं भी लगाओगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये है मेरे जितने भी कटिंग जो आपसे आज मैंने शेयर किए, तो आपको कैसे लगे मेरे वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना फ्रेंड्स, और लाइक शेयर ज़रूर से करना, और जो भी मेरे चैनल पे फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कई नए वीडियो।